इसमें देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट पी है जो मूव कर रहा है एक लाइन के ऊपर, लाइन गिवन है, क्यू एंड आर पॉइंट्स हैं और आपको सेंट्रोइड का लोकस चाहिए पी क्यू आर का। ओके, तो चलो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। पहले तो ये क्या हो गया, कैसी ट्राइंगल आई? हाँ ये ट्राइंगल आ गई। ठीक है, अब हमने इसका जो एक वर्टेक्स है ना वो लाइन के ऊपर मूव करता है। वो इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। इस लाइन की इक्वेशन है 2x-3y+4=0 और ये जो क्यू पॉइंट्स हैं ये पी है। ठीक है, और आर, क्यू की वैल्यू दे रखी है 1.4, आर की वैल्यू दे रखी है 3.-2। ओके, अब अगेन पी को मैं पैरामेट्रिकली कंसिडर करूँगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3y-4, एक्स हो जाएगा 3y-4/2। तो इसका जो वाई है उसको मैं कुछ टी ले लूँ ना तो एक्स आ जाएगा 3t-4/2। ये पॉइंट पी आ गया। अब इसका सेंट्रोइड का लोकस चाहिए। सेंट्रोइड मान लो वो h, k है तो h की वैल्यू कितनी रहेगी? एच की वैल्यू आ जाएगी 1+3+3t-4/2। x1+x2+x3/3 होता ना फॉर्मूला, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 4, 6, 3t+5 आ रहा है शायद डिवाइडेड बाय 6। देखिए ज़रा, 3 और 1 4, 4 और 2 8, 3t+4 आ रहा है, 3t+4। ओके, दिस इज 4, 4 × 2 8-4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। इसी तरह से k की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगी। ये तो h आया, k में क्या करेंगे, y1+y2 which is t and y3 which is -2 divided by 6। तो ये हो गया t+2 divided by 6। 6 नहीं, यहाँ तो 3 ही है, यहाँ क्यों 6 कर रहा हूँ मैं, यहाँ तो 3 डिवाइडेड बाय 3 आएगा ना सिर्फ फार्मूले में। तो t की वैल्यू 3k-2i, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए इसमें। ऐसा पुट करने से लोकस आ जाएगा ना हमारे पास, समझ रहे हो ना, लोकस आ जाएगा। और लोकस आ गया तो 6h = 3। तो जो भी पूछा होगा, पूछा गया इसमें लोकस ऑफ द सेंट्रोइड। अच्छा, लोग इसके बारे में पूछा, सेंट्रोइड के लोकस के बारे में पूछा है कि उसकी स्लोप क्या होगी। तो पहले लोकस निकाल लेते हैं। 3t की जगह मैं भर रहा हूँ 3k-2+4। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि लोकस के लिए h को x से रिप्लेस करते हैं और k को y से। तो मैं फटाफट वो कर देता हूँ क्योंकि आगे क्यों सॉल्व करना जब स्लोप पूछी है। तो स्लोप तो निकालते हैं ना, 6x = ये बनेगा 9y+ कुछ बनेगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को स्लोप चाहिए। तो अगर आप कंपेयर करेंगे y = mx+c से, तो m क्या होता है, जब y का कोएफिशिएंट 1 करूँगा मैं किसी एक साइड, तो जो x का कोएफिशिएंट दूसरी साइड होगा वही स्लोप होगी। तो वो 6/9 आएगा यहाँ से, विच इज़ 2/3। तो विद स्लोप 2/3 ये रहेगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी।